पब्लिक टीवी आपकी आवाज। दुर्गा वाहिनी मुरादाबाद महानगर द्वारा समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष फरोज खान के द्वारा जयपर्दा पर अमर्यादित टिप्पणी कर महिलाओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के विरोध में थाना मझोला में प्रदर्शन कर मुकदमा दर्ज करवाया गया। पत्रकारों को संबोधित करते हुए महानगर संयोजिका शिल्पी सैनी ने कहा कि फरोज खान का बयान उसकी तुच्छ मानसिकता को दर्शाता है। ऐसे राक्षसों पर लगाम कसने के लिए ही दुर्गा वाहिनी का निर्माण हुआ है और दुर्गा वाहिनी सदैव महिलाओं के सम्मान के लिए तत्पर है। इसी क्रम में महानगर सह संयोजक सोनम रावत ने कहा कि फरोज खान जैसे लोग यह भूल गए हैं कि उनके जन्म देने वाली भी एक महिला है। यदि वह किसी महिला के ऊपर ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग कर सकते हैं तो हम ये मानते हैं कि वह अपनी जन्म देने वाली माँ पर भी इस प्रकार की अभद्र टिप्पणी कर सकते हैं। ऐसे लोगों को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए उन्हें फांसी पर चढ़ा देना चाहिए। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से रश्मि छावड़ा, निधि गुप्ता, कशिश चौहान, षष्ठी अधिकारी, शिल्पी सैनी, रश्मि तिवारी, अंजना भारद्वाज, आंचल सैनी, चंचल रानी आदि उपस्थित रही। शिल्पी, आज हम यहाँ सब दुर्गा वाहिनी की बहनें एकत्रित हुई हैं लाइन पर और मझोला थाने में। हमने यहाँ पे यहाँ के जो थाना अध्यक्ष हैं उनको एक FIR दर्ज कराई है। जैसे कि आप जानते हैं कि लगातार कंटिन्यू महिलाओं पर अभद्र टिप्पणियाँ हो रही हैं, अभी सपना चौधरी जी को लेकर और अब जया प्रदा जी को लेकर के। जैसे कि आप जानते हैं कि संभल के सपा के अध्यक्ष फरोज खान जी ने और हमारी जो बहन जी है उनको बहुत उल्टा सीधा बोला है जया प्रदा जी को कि उनकी आने से शाम रंगीन होंगी और इस तरह से फला टिप्पणियाँ उन पर की है और दुर्गा वाहिनी इसकी घोर निंदा करती है। हमें आश्वासन दिया गया है कि जल्द से जल्द उनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। हम आगे फिर दुर्गा वाहिनी इसके लिए ठोर कदम उठाएगी।